This call is now being recorded. ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी को पता था कि अभी तक हम किसके बारे में बात, ज्योमेट्री के बारे में पढ़ रहे थे, ज्यामिति से संबंधित कॉन्सेप्ट पढ़े थे हमने, ठीक है। अब उसमें सबसे पहले हमने कौन कौन से चैप्टर पढ़े? सबसे पहले हमने आपका सिक्स चैप्टर जो भी है रेखाएं एवं कोण वो पढ़ा था, सातवां चैप्टर जो है त्रिभुज वो पढ़ा था, आठवां चैप्टर है चतुर्भुज उसके बारे में पढ़ा था, और दसवां चैप्टर है सर्कल या वृत्त, ठीक है। तो लास्ट क्लास तक हमने सर्कल के बारे में बात की थी, ठीक है। तो इन सभी चैप्टर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, जो भी आपको इन चैप्टर्स को पढ़ने के लिए काम आएंगे, उनके बारे में हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, ठीक है। तो ज्यामिति हमारा खत्म हो गया था लास्ट क्लास में। अब हम आज की क्लास से स्टार्ट करेंगे क्षेत्रमिति, ठीक है। अब आप में से काफी बच्चों को ये लग रहा होगा कि यार सर, क्षेत्रमिति या फिर मेंसुरेशन का क्या मतलब होता है? देखिए, क्षेत्रमिति का सीधा सा मतलब होता है कि किसी भी आकृति का क्षेत्रफल निकालना, ठीक है। तो बेसिकली अब से हम अलग अलग आकृतियों का क्षेत्रफल और फिर बाद में जाके आयतन निकालना भी सीखेंगे, ठीक है। अब उसमें सभी प्रकार की आकृतियां, चाहे वो आयत हो, वर्ग हो, त्रिभुज हो, बेलन हो, शंकु हो, कोई सी भी आकृति हो, उन सब का हम क्षेत्रफल और आयतन निकालना, जिसका आयतन निकलता है उसका आयतन निकालना सीखेंगे, ठीक है। सभी को मतलब समझ में आया क्षेत्रमिति का मतलब क्या है? सभी को समझ में आया क्षेत्रमिति मतलब अलग अलग आकृति, अलग अलग टाइप की आकृतियों की हम क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे कि उनका क्या क्या फॉर्मूला होता है। यस, अच्छा एक ही बच्चे को समझ में आया क्या? हाँ अभी आया, ठीक है ठीक है। तो चलिए सबसे पहले अब देखिए, किसी भी चीज के लिए जब आप क्षेत्रफल निकालते हो तो क्षेत्रफल निकालने के लिए किसी भी आकृति की आपको लंबाई की जरूरत होती है। तो सबसे पहले हम लंबाइयों के बारे में पढ़ लेते हैं कि लंबाइयों की यूनिट क्या होती है, लंबाइयों को हम मापते कैसे हैं, किसी भी लंबाई को, चाहे वो एक आदमी की लंबाई हो, चाहे दो शहरों के बीच की दूरी हो, लंबाई हो, या किसी भी चीज की लंबाई हो, हम उसको कैसे मापते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम उसको सीखेंगे। देखिए, ये आपने सभी ने पढ़ा होगा कि लंबाइयों को ना हम अलग अलग तरह से नापते हैं। कई बार आपने मिलीमीटर में सुना होगा कि लंबाई इतने मिलीमीटर है, 2 मिलीमीटर है, 3 मिलीमीटर है। कई बार आपने सेंटीमीटर में सुना होगा कि किसी भी उसकी लंबाई, किसी भी चीज की लंबाई मान लो 5 सेंटीमीटर है या 10 सेंटीमीटर है या कुछ और भी हो सकता है। इसी तरह से आपने मीटर भी सुना होगा, ठीक है। इसी तरह से आपने मीटर भी सुना होगा कि किसी भी चीज की लंबाई या ऊंचाई भी, ऊंचाई भी जो होती है वो एक तरह से लंबाई ही होती है, ठीक है। तो वो मीटर में दे रखी है। अब किलोमीटर कहाँ सुना होगा आपने? किलोमीटर आपने जनरली दो जगहों के बीच की दूरी के बारे में सुना होगा। मान लो आपके गांव से और गुड़गांव तक की या किसी दूसरे शहर तक की जो दूरी है वो आप किलोमीटर में बताते हो। ये सारी चीजें सुनी है आपने, यस और नो पहले ये बताइए। सभी ने सुनी है ये सभी, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, सभी ने सुना है, ठीक है। हाँ सभी ने सुना है। तो ये है क्या आखिरकार? ये सभी के सभी, जितनी भी ये चारों के चारों चीजें हैं, वो सभी लंबाइयों को मापने के काम आती हैं। कुछ कुछ बहुत ही छोटी लंबाइयों को मापने के काम आती है और कुछ बहुत बड़ी लंबाइयों को मापने के काम आती है। अभी तक तो हमने यहां से सीखा। अच्छा, जनरली जो हम अपनी क्लास में यूज करते हैं किसी भी चीज की लंबाई को मापने के लिए, वो करते हैं हम पैमाने का यूज, जिसको हम स्केल भी बोलते हैं, ठीक है। पैमाने का यूज करते हैं, जिसको पैमाना या स्केल भी कहते हैं। जनरली किसी भी रेखाखंड की लंबाई नापनी हो तो उसके लिए हम स्केल यूज करते हैं, ठीक है। अब जनरली हम दैनिक जीवन से जुड़े हुए उदाहरण बता देता हूं कि मान लो आप में से किसी भी एक बच्चे की मैं लंबाई पूछूं कि आपकी लंबाई कितनी है, तो किसी भी आदमी की लंबाई जो हम नापते हैं वो जनरली सेंटीमीटर में नापते हैं। अब ऐसा कोई रूल नहीं है कि सेंटीमीटर में ही नापेगी, ऐसा कोई भी रूल नहीं है, लेकिन जनरली ज्यादातर हम सेंटीमीटर में नापते हैं, ठीक है। आप में से काफी ने फुट में भी सुना होगा कि मान लो जैसे मेरी लंबाई, मान लो मैं बोलता हूं कि 5 फुट 3 इंच है या 5 फुट 8 इंच है, ठीक है। तो फुट में भी और इंच में भी नापते हैं और उसको कन्वर्ट करके हम सेंटीमीटर में भी बता सकते हैं कि आप में से किसी एक बच्चे की लंबाई मान लो 115 सेंटीमीटर है या 120 सेंटीमीटर है,
ठीक है। तो सेंटीमीटर जनरली कहाँ यूज आता है, किसी भी इंसान की लंबाई को नापने में, ठीक है। अब सेंटीमीटर के साथ साथ मिलीमीटर भी यूज आता है। अब ये होता क्या है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, बस मैं ये बता रहा हूं कि डेली लाइफ में हम कहाँ यूज करते हैं इसको, ठीक है। इसी तरह से जैसे किसी भी रस्सी, अब मान लो आपको घर में किसी भी चीज की, किसी रस्सी की जरूरत है और आप मार्केट जाते हो, ठीक है, और आप मार्केट में जाके शॉपकीपर से बोलते हो कि भैया हमें, मुझे एक रस्सी चाहिए। तो दुकानदार क्या पूछता है कि कितने मीटर चाहिए, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो रस्सी या कुछ कुछ चीजों को हम जनरली मीटर में नापते हैं। अब ऐसा नहीं है जरूरी कि मीटर में ही नापेंगे, नहीं, कुछ और कोई दूसरी यूनिट में भी नाप सकते हैं, लेकिन मीटर में भी नापते हैं। ये सुना होगा आपने कि कभी रस्सी लेने या जो बिजली का तार होता है, वायर होता है, जब वो लेने जाते हो तो उसकी जो लंबाई होती है वो जनरली जो दुकानदार होता है वो मीटर में नापता है। यस, मीटर में नापता है, यस और नो, ये सुना है ना, मीटर। हाँ ठीक है। इसी तरह से किलोमीटर कहाँ सुना होगा, जब भी आप किसी की भी, किसी दो शहरों की दूरी या किसी सड़क की लंबाई, जनरली जब सड़क बनती है तो यही देखते हैं ना कि ये कितना किलोमीटर लंबी सड़क है, या दो शहरों के बीच की दूरी जो है वो कितने किलोमीटर है। इसका मतलब क्या हुआ, यहां से हमने ये, हाँ, रास्ते को नापने के लिए, बिल्कुल सही बात है। तो यहां से हमने ये सीख लिया कि जब बहुत बड़ी दूरी होती है, बहुत बड़ी लंबाई होती है, तो उसको हम जनरली किलोमीटर में नापते हैं, ठीक है। और हाँ, जैसे कपड़े की लंबाई, बिल्कुल, कपड़े की लंबाई भी हम मीटर में नापते हैं, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और मीटर जो मीडियम साइज की लंबाई होती है, जैसे कपड़े की लंबाई, ना ज्यादा छोटी है ना ज्यादा बड़ी, या रस्सी की लंबाई, उसको हम जनरली मीटर में नापते हैं। अच्छा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि केवल मीटर में ही नापते हैं, नहीं, जनरली मीटर में नापते हैं, कुछ और फीट में भी नापते हैं, काफी लोग फुट में भी नापते हैं, ठीक है। इसी तरह से जब बहुत ही कोई छोटी लंबाई होती है, जैसे किसी इंसान की लंबाई हो गई, या कुछ और जो छोटी लंबाइयां होती हैं, उनको हम जनरली सेंटीमीटर और मिलीमीटर में नापते हैं, ठीक है। ये तो बहुत ही बेसिक सा सेंस है, बहुत ही बेसिक चीजें हैं कि हम सेंटीमीटर, मिलीमीटर, मीटर या किलोमीटर में कैसे कैसे नापते हैं। अब इसके हम कुछ उदाहरण देखते हैं। मान लो मैं आपसे पूछूं कि ये जो ब्लैक कलर का आपको एक रेखाखंड दिया गया है, तो इसकी लंबाई कैसे निकालोगे, कैसे नापोगे, आप कोई बता सकता है, आप में से अनम्यूट करके बता सकते हो कि इसकी लंबाई आप कैसे नापोगे, सेंटीमीटर में नहीं किस चीज से नापोगे, स्केल से स्केल से, स्केल से, बिल्कुल सही बिल्कुल बात सही है। बात है। अच्छा म्यूट कर लीजिए, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बात है। आप क्या करोगे, एक ऐसे एक स्केल लोगे, इसके बराबर से या पैमाना लोगे और उससे इसकी लंबाई नाप दोगे, बिल्कुल सही बात है। जैसे मैंने यहाँ एक स्केल लगाया तो मुझे पता चला कि इसकी लंबाई यहां तक है, ठीक है, इसकी लंबाई यहां तक है, और ये किस पे आ रहा है, इस वाले पे, मतलब ये 10 और 11 के बीच में आ रहा है, तो मैं कह सकता हूँ इसकी लंबाई 10.5 सेंटीमीटर है। अब मैंने सेंटीमीटर क्यों बोला, क्योंकि जो ये स्केल होता है ना, उसमें क्लियरली लिख रहा है कि ये जो नंबर्स हैं 1 2 3, ये जो नंबर्स हैं वो सेंटीमीटर को दिखा रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब यदि यहां तक किसी की जो लंबाई होगी वो 10 और 11 के बीच में, मतलब 10.5 सेंटीमीटर के इक्वल होगी, ठीक है। इस तरह से नापते हैं ना, यस और नो, जल्दी से बताइए, इस तरह से नापते हैं। आपको बस मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे क्यों, वो अभी धीरे धीरे आपको समझ में आएगी कि हम ये सारी चीजें क्यों पढ़ रहे हैं। यस ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसी तरह मान लो मैं आपसे कोई दो लंबाइयां दे दूं और उनको जोड़ने के लिए बोलूं, जैसे ये है, मान लो एक रस्सी है, हमारे पास दो रस्सियां हैं जिनमें से एक की लंबाई है 4 मीटर, दूसरे की लंबाई है 500 सेंटीमीटर, और आपको, मैं आपसे मैं पूछूं कि दोनों की लंबाई कितनी होगी, तो आप कितना बताओगे, तो आप कितना बताओगे, कोई बता सकता है क्या, दोनों की लंबाई जोड़ दोगे, सिंपल सी बात है। हाँ, 504 मीटर सर, 504 मीटर, 504 मीटर। सभी बच्चों का यही आंसर है, जल्दी से बताइए कमेंट में, जल्दी से बताइए, या किसी का कुछ और आंसर भी है, यही होगा, यही होगा, यही होगा, बिल्कुल 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 बिल्कुल, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब ये जान के ना आपको आश्चर्य होगा कि सबका आंसर गलत है। अब वो गलत क्यों है, इसलिए अब सभी बच्चे सुनेंगे कि गलत क्यों है। देखिए, जो पहली लंबाई थी ना, जो पहली लंबाई थी वो थी 4 मीटर। हाँ जी प्रिंस कुमार जी, आपका आंसर एकदम सही है, एकदम सही है, ठीक है। ये क्या थी,
चार ये ये थी मीटर में, ठीक है, और ये जो दूसरी लंबाई थी वो थी सेंटीमीटर में, सेमी में थी, और आपने क्या किया इनको डायरेक्ट जोड़ दिया। ठीक है, देखिए इसका दूसरा उदाहरण मैं समझता हूं। मान लो आपके पास 2 रुपए हैं और आपके पास 50 पैसे हैं, ये आपके पास रुपए हो गए, ये आपके पास पैसे हो गए। अब इसका मतलब ऐसा थोड़ी कि आपके पास 52 रुपए हो गए, इसका मतलब ये है क्या डायरेक्ट जोड़ सकते हो क्या आप इनको, इनको डायरेक्ट जोड़ सकते हो क्या? नहीं ना, पहले क्या पहले क्या करोगे? करोगे? अच्छा आप म्यूट कर लीजिए प्लीज। आप क्या करोगे, आप जो ये पैसे दे रखे हैं पहले इनको रुपए में बदलोगे, ठीक है। जैसे 50 पैसे का मतलब क्या होता है, आधा रुपया, 50 पैसे का मतलब क्या होता है, आधा रुपया, और ये कितना हो गया, ये 2 है, तो 2 + 1/2 इसको 2.5 रुपया, ये क्या हो जाएगा 2.5 रुपया, ये 52 रुपये नहीं होंगे, ठीक है, ये क्या होगा 2.5 रुपया। इसी तरह से कोई भी चीज जब हम जोड़ते हैं तो दोनों की यूनिट, यूनिट क्या होती है इकाई, जैसे 2 की इकाई क्या थी अभी रुपए, और 50 की क्या थी पैसे, दोनों की इकाई अलग अलग थी ना, 2 रुपए और 50 पैसे, इसलिए हमने दोनों को डायरेक्ट नहीं जोड़ा था। इसी तरह से जब हम लंबाइयों को जोड़ते हैं ना तो दोनों की यूनिट भी सेम होनी चाहिए, जैसे यहां तो है मीटर और यहां है सेंटीमीटर, तो हम दोनों को डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते। पर कैसे जोड़ेंगे, देखिए इसके 2 ऑप्शन है, या तो आप इस मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लो, या फिर इस सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लो, आपकी मर्जी है, आप कैसे भी कर सकते हो। अब क्वेश्चन आता है कि हम इनको चेंज कैसे कर ले, कैसे करेंगे, ठीक है। तो आज हम यही सीखने वाले हैं कि जो लंबाई नापने की यूनिट होती हैं अलग अलग, उनका हम आपस में कैसे चेंज करते हैं, ठीक है, उनको हम आपस में कैसे बदलते हैं। आप में से काफी बच्चों को कुछ जो चेंजेज हैं वो डायरेक्ट पता होंगे और कुछ बच्चों को शायद नहीं होंगे, तो सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। देखिए जनरली जो लंबाई होती है वो या तो मिलीमीटर में होती है, सेंटीमीटर में होती है, मीटर में होती है, किलोमीटर में होती है, तो इनमें क्या संबंध होता है वो सभी यहां आपको दे रखा है, ठीक है, वो सभी यहां आपको दे रखा है। लेकिन हम क्या करते हैं, इससे पहले हम सभी चीजों को एक एक करके समझ लेते हैं, ठीक है, सभी चीजों को समझ लेते हैं। सबसे पहले अच्छा अब आपको मैं बता दूं कि जो लंबाई का मेन यूनिट होती है, मेन जो मात्रक होता है जिसको हम लंबाई में मापते हैं, वो होता है मीटर, ठीक है, वो क्या होता है मीटर, इसको हम इंग्लिश में एम से दिखाते हैं, ठीक है, मीटर। अब क्या हो गया, अच्छा इसको स्मॉल एम से दिखाते हैं जनरली, ठीक है, स्मॉल एम से दिखाते हैं। अब मीटर से ही तो बनता है सेंटीमीटर, मीटर से ही बनता है सेंटीमीटर, मीटर से ही बनता है मिलीमीटर, मिलीमीटर, मीटर से ही बनता है किलोमीटर, ठीक है। अब देखिए इन सभी तीनों में, ये जो हमने तीन पढ़े हैं, इन तीनों चीजों में एक चीज कॉमन है कि सब में मीटर शब्द तो आ ही रहा है, मीटर शब्द तो आ ही रहा है, मतलब मीटर को जब हम बदलते हैं तो उनके उसके आगे कुछ शब्द लगा देते हैं, जैसे सेंटी, सेंटी, मिली और किलो, तीन शब्द हैं। पहले हम इन तीनों का मतलब समझते हैं, फिर इनको आपस में चेंज करना सीखेंगे, ठीक है, पहले हम इनको। हाँ जी आपका आंसर सही है, विजय खन्ना के नाम से जो बच्चा, सही है, लेकिन आपको ये कैसे याद रखना, ये आता कैसे वो आपको समझना है। देखिए जो सेंटी का मतलब होता है, सबसे पहले हम सेंटी का ही मतलब समझते हैं, सेंटी का मतलब होता है 1/100, सेंटी का मतलब क्या होता है 1/100, या फिर इसमें अगर भाग दोगे तो 0.01, ठीक है। अब ये आपको डायरेक्ट ही याद रखना है कि सेंटी का मतलब ये होता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि देखो एक सेंटी क्या होता है 1/100, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, दोनों साइड में मीटर लगा देते हैं, तो यहां तो हो जाएगा ये 1 सेंटीमीटर, यहां हो जाएगा ये 1 सेंटीमीटर, और दोनों साइड में लगाने पे क्या होगा, ये होगा 1/100 मीटर, ठीक है। तो हमने क्या सीखा, यहां से हमने क्या किया है, दोनों साइड बस मीटर अलग से लगा दिया है,
हमने क्या किया है, दोनों साइड बस मीटर अलग से लगा दिया है। यहां तक समझ में आया? यहां तक समझ में आया क्या? यस और नो? हमने बस मीटर लिखा है दोनों साइड में और कुछ नहीं किया है। ये हमने यहां से सीखा था कि सेंटी का मतलब होता है 1/100। यस 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 यस, ठीक है ठीक है। अच्छा ये ना सभी बच्चे नोट भी कर लेंगे सेंटी का मतलब क्या होता है। अब ये आप मीटर में भी लगा सकते हो, कोई दूसरी यूनिट में भी लगा सकते हो, ठीक है। चलिए अभी मैं क्या करता हूं, इस 100 को मैं इधर लाऊंगा, ला सकता हूं क्या इस 100 को? 100 को मैं इधर लाऊंगा तो क्या होगा, कोई बता सकता है? अगर मैं 100 को इधर लाऊं तो क्या होगा? गुणा होगा ना, यस और नो? क्योंकि 100 का यहां भाग हो रहा है ना। अब ये नॉर्मल, यस आप नॉर्मल, आप इसको एक समीकरण समझिए, एक नॉर्मल समीकरण समझिए। जब मैं 100 को इधर लाऊंगा तो 100 क्या होगा, 100 गुणा 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। अब इधर क्या बचेगा, 100 को तो मैं उधर लेके, अब एक ही बचा बस, 1 मीटर, ठीक है। तो यहां से हमें एक संबंध मिल गया, क्या ये 100 गुणा 1 क्या हो जाएगा, 100, तो ये तो हो गया 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, ठीक है। तो यहां से हमें एक संबंध मिल गया कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। अब हम लिखते कैसे हैं, मीटर को तो लिखते हैं एम से, मीटर को तो लिखते हैं एम से, मैं यहां लिख देता हूं अलग से, मीटर को तो लिखते हैं एम से, और जो सेंटीमीटर है उसको हम सेमी भी कर लेते हैं शॉर्ट में, इसका मतलब सेंटी, इसका मतलब मीटर, और इंग्लिश में हम इसको CMB लिखते हैं, इसका मतलब 100 सेंटीमीटर, मतलब 100 सेमी बराबर 1 मीटर। मीटर को हम जनरली शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिखते हैं। सॉरी ये 100 आएगा, हाँ जी हाँ जी 100 आएगा, ठीक है ठीक है। आया समझ में? आप सभी बच्चे बताएंगे कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ये समझ में आया सभी को? ये अच्छा, ये याद तो सबको होगा, लेकिन ये आता कैसे है वो सभी को समझना है। अब आपको मेन उद्देश्य क्या है समझना, कि सेंटी का मतलब क्या होता है। सेंटी का मतलब अगर आपने समझ लिया तो सेंटीमीटर आप आसानी से निकाल सकते हो। वैसे ये जो संबंध है वो आपको डायरेक्ट याद भी रखना है, ठीक है, ये संबंध आपको डायरेक्ट याद भी रखना है। अच्छा सभी बच्चे स्क्रीनशॉट लेंगे, अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो सभी बच्चे स्क्रीनशॉट लेंगे, सभी बच्चे स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है, ले लिया होगा सभी ने। अभी मैं इसको इरेज कर देता हूं, राइट वाले को इरेज नहीं कर रहा हूं, बस मैं इसी पार्ट को इरेज कर रहा हूं, ठीक है। तो अभी हमारा कौन कौन सा कवर हो गया, एक तो ये कवर हो गया, सेंटीमीटर का मीटर कवर हो गया। अब आते हैं मिली, मिलीमीटर पे आते हैं, ठीक है। तो देखिए 1 मिली का मतलब क्या होता है, 1 मिली का मतलब होता है जैसे 1 सेंटी का मतलब 1/100 होता है ना, ऐसे ही 1 मिली का मतलब होता है 1/1000, ठीक है, या फिर 0.001। अच्छा ये कहां से आता है, ये तो बस मैंने भाग दिया इसमें सीधा सीधा, और कुछ नहीं किया मैंने, 1/1000 का मान है ये, वही लिखा है मैंने, ठीक है। अब यहां से आप बता सकते हो क्या ये निकाल, अच्छा आप खुद से कोशिश कीजिए, जैसे अभी हमने सेंटीमीटर से मीटर निकाला था ना, ऐसी आप ये कोशिश कीजिए कि 1 मिलीमीटर में कितने मीटर होंगे, ठीक है। मैं यहां से लिख लेता हूं 1 मिली, और दोनों जगह मीटर लिख देता हूं, इधर भी मीटर हो गया बराबर 1/1000, इधर भी मीटर हो गया, ठीक है। अब यहां से बताइए आप कि 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होंगे, मैंने बस मीटर का यहां गुणा कर दिया है या मीटर लिख दिया दोनों साइड, जल्दी से बताइए सब। अच्छा ये याद है वो अलग चीज है, आप यहां से ना निकालने की कोशिश कीजिए, सभी बच्चे, सभी बच्चे यहां से निकालने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल सही बात है, 1000, 1000, बिल्कुल सही बात है। कितना होगा, कैसे होगा, 1000 का गुणा इधर हो जाएगा, और वन और इन, नहीं 100 नहीं होगा, पंकज के नाम से जो बच्चे, 100 नहीं होगा, 1000 होगा ना, आपने 100, हाँ अभी सही है। तो इसका कैसे होगा, इस 1000 का गुणा इधर कर देते हैं, 1000 गुणा 1 मिली, अब मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूं, मिलीमीटर बराबर, इधर कितना बचेगा, 1000 तो उधर चला गया, इधर बचेगा 1 मीटर, तो इसको भी मैं शॉर्ट में ही लिख रहा हूं। तो यहां से 1000 गुना 1
तो 1000 ही आएगा। 1000 मिलीमीटर बराबर 1 मीटर, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि 1000 मिलीमीटर, अच्छा इसको मैं मिलीमीटर शॉर्ट में लिख रहा हूं, मिमी भी कहते हैं इसको, जैसे इसको सेमी कहते हैं ऐसे इसको मिलीमीटर को मिमी भी कहते हैं, 1 मीटर, ठीक है। दूसरा संबंध ये आ गया, दूसरा संबंध ये आ गया। अब यहां से मैं फिर से इसको इरेज कर देता हूं, ठीक है। चलिए अब आपको क्या करना है, किलोमीटर पे हम बाद में आएंगे, किलोमीटर पे हम बाद में आएंगे, पहले आपको अब इन दोनों में संबंध बताना है कि मिलीमीटर और सेंटीमीटर में क्या संबंध होता है। खुद से निकालिए, खुद से निकालिए, 1 सेंटीमीटर में कितने, मैं इसको क्वेश्चन मार्क बना रहा हूं, कितने मिलीमीटर होंगे, ये आप खुद से निकालने की कोशिश कीजिए। नहीं, अब मैंने सेंटीमीटर में पूछा है, ये ध्यान रखना है आपको, 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, सॉरी 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होंगे, मैंने शायद उल्टा बोल दिया था अभी। हाँ अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अच्छा आप में से कोई भी बच्चे बताएगा, याद नहीं बताना कि ये कैसे निकाला आपने, ये बताओगे आप, कोई भी एक बच्चा अनम्यूट करके बता दीजिए, कोई भी एक बच्चा अनम्यूट करके बता दीजिए कैसे निकाला आपने। सर मुझे तो पहले से ही पता था। सर वही, लेकिन वो आता कहां से, मैं वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, पहले सर बताइए बताइए। सर ये ए सर एक 1000 को 100 से गुणा कर दो, भाग है, भाग है हजार तो का सर 100 से भाग कर दो शायद। हाँ यस आगे सर। बताइए, ठीक है, हाँ यही बता रहे ना, हाँ ठीक है ठीक है, हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, मैं भी ऐसे ही बता रहा था, 1000 का। या फिर ऐसा कर सकते हो, देखिए मैं क्या कर रहा हूं, मैंने लिखा है, मैं ऐसे भी बता सकता हूं आपको कि 1 मीटर बराबर होगा 1 मीटर के, ये तो सिंपल सा वो है, 1 मीटर बराबर होगा 1 मीटर के, इसमें तो कोई सोचने की बात ही नहीं है, दोनों बराबर होंगे। अब इसको मैं सेंटीमीटर में लिख देता हूँ, इसको मैं मिलीमीटर में लिख देता हूँ, ठीक है। तो 1 मीटर कितना होता है, 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, तो यहां से लिख दिया 100 सेंटीमीटर इसकी जगह, और इसकी जगह लिख दो मिलीमीटर, मिलीमीटर कितने होते हैं 1000, ये हो गया 1000 मिलीमीटर, ठीक है। अब हमें कितने में निकालना था, 1 सेंटीमीटर में 100 में इतने हैं, तो 1 में कितने होंगे, 100 का भाग दे दें हम दूसरी साइड, 1000 बटे 100 मिलीमीटर। अब यहां से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, तो 1 सेंटीमीटर कितना आ गया, 1 सेमी बराबर आ गया 10 मिलीमीटर, ठीक है। आया समझ में, आया समझ में, वैसे सही बताया था, जिसने भी बताया था एकदम सही बताया था कि ऐसे ही हम निकालते हैं कि 1 सेंटीमीटर में, आप में से काफी बच्चों को पता भी होगा, ठीक है, आप में से काफी बच्चों को पता भी होगा। तो मैं एक और चीज लिख लेता हूं यहां कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, ठीक है। चलिए तो यहां तक तो हमने सीख लिया मिलीमीटर सेंटीमीटर का आपस में संबंध, अब आते हैं हम किलोमीटर पे, अब किस पे आते हैं हम, किलोमीटर पे। देखिए जैसे मैंने सबका मतलब बताया था ना, इसी तरह से किलो का जो मतलब होता है वो होता है 1000, ठीक है। अब चाहे तुम इसको ग्राम में लगाओ, चाहे इसको मीटर में लगाओ, कुछ में भी लगा लो, किलो का मतलब होता है 1000, ठीक है। अब मान लो मैं 1 मीटर की बात करूं, ठीक है, या हाँ किलो का मतलब होता है 1 मीटर बराबर, 1 मीटर लिख देता हूं मैं फिर से, अगर मैं इसके किलो की बात करूं तो किलो में क्या होगा, या फिर इसका दूसरी तरह से ऐसे समझ सकते हो, ये जो बाकी की चीजें समझी थी उस तरह से भी समझ सकते हो कि मान लो आपने आपने अभी क्या सीखा कि 1 किलो मतलब क्या होता है। देखिए आपको ना ध्यान रखना है, जनरली हम किलो किसको कहते हैं, जब भी आप सामान लेने जाते हो ना तो आप बोलते हो, मान लो आप चीनी लेने गए मार्केट में, तो आप क्या बोलते हो दुकान पे जाके कि 1 किलो चीनी दे दो, बोलते हो यस और नो, ऐसे बोलते हो ना कि 1 किलो चीनी दे दीजिए, यस। लेकिन वो केवल किलो नहीं होता, आप उसको पूरा शब्द नहीं बोलते हो, वो किलोग्राम होता है,
वो किलो, हाँ जी, केजी होता है, वो किलोग्राम होता है, केवल किलो कभी नहीं होता, ठीक है, क्योंकि 1 किलो का मतलब तो बस 1,000 होता है, 1 किलो का मतलब तो केवल 1,000 होता है, 1 किलोग्राम का मतलब 1,000 ग्राम होता है, क्योंकि दोनों साइड ग्राम लगा दिया, इसलिए आपको ध्यान रखना है, ये किलो वो नहीं है जो आप सामान लेने जाते हो, जो आप सामान लेने जाते हो वो होता है किलोग्राम, इसलिए आप कंफ्यूज मत होना, जिसको आप केजी भी कहते हो, बिल्कुल सही बात है। एक, अब यहां से वापस आते हैं, 1 किलो का मतलब 1,000, तो 1 किलोमीटर का मतलब कितना होगा, 1 किलोमीटर, मैंने दोनों साइड मीटर लगाया तो इस साइड भी मीटर लिख देता हूं मैं, 1,000 मीटर। 1,000 मीटर, बिल्कुल सही बात है। तो इसको किलोमीटर को हम जनरली किमी भी लिख देते हैं, किलो मीटर, और इसको 1,000 मीटर, ठीक है, 1 किलोमीटर में 1,000 मीटर होते हैं। यस, अब ये सभी को समझ में आया क्या? ये बताओ, ये सारी यूनिट्स जितनी भी हमने चेंज की हैं, ये सभी सभी को समझ में आई क्या? यस और नो? यस, ठीक है, तो मैं यहां क्या लिख रहा हूं, मैं ना यहां सबको दोबारा से लिख लेता हूं, क्या क्या पढ़ा है अभी हमने, कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, और 1 मीटर में 1,000 मिलीमीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में 1,000 मीटर होते हैं, ये चार चीज हमने पढ़ी थी। अब आप मुझे ये बताइए, यहां से देखिए, यहां से देख लीजिए, आप हेल्प लेके मुझे बस ये बताइए कि 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे, बॉक्स में का मतलब है कितने मीटर होंगे, ये बताइए आप मुझे, 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे, ये बताना है सभी को, 1 मीटर में कितने। अच्छा, बोल के नहीं बताना, सुशील के नाम से जो बच्चा, आप प्लीज म्यूट कर लीजिए, बोल के किसी को नहीं बताना, 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे, सेकंड, सेकंड कुछ नहीं, अच्छा 2 सेकंड रुकूं, हाँ जी आप कर लीजिए, कर लीजिए, आराम से कर लीजिए, आराम से कर लीजिए, क्या हुआ, हाँ जी बताइए, आप कुछ बोलना चाह रहे हो? आपने सर 1 मीटर में 1,000 किलोमीटर लिखा है सर। किसमें लिखा है मैंने, वे सर ग्रीन वाले कौन में से सर नंबर साइड पे, कौन से में नंबर पे? तो सेकंड पे एक सर। मीटर में 1,000 मिलीमीटर लिखा है मैंने, मिलीमीटर ही होते हैं, ये तो सही है। सर किलोमीटर दिख रहा था सर अच्छा ठीक इसलिए। है, कोई बात नहीं, हाँ ये मिलीमीटर है, ठीक है, मैं इसको इंग्लिश में, हम इसको मिलीमीटर को एमएम से, हाँ ये भी लिख लेता हूं मैं, मीटर को एम से लिखते हैं, सेंटीमीटर को सीएम से लिखते हैं, ठीक है, मिलीमीटर को एमएम से लिखते हैं, किलोमीटर को किलोमीटर, और ये मीटर एम, ठीक है, अभी कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, ठीक है, हाँ जी बहुत बढ़िया, आप में से काफी ज्यादातर बच्चों ने एकदम सही आंसर किया है कि 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होते हैं, कैसे, यहां से आप देख सकते हो, ठीक है, ये क्वेश्चन था मेन, तो इसको मैं बॉक्स में कर देता हूं, हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि 1 मीटर में 100 सेमी होते हैं, ठीक है, तो फिर 1 सेंटीमीटर में कितना हो गया, या इसको ना आप ऐसे उल्टा लिख सकते हो, जब भी आपको ऐसे कंफ्यूजन रहे तो इसको आप उल्टा लिख लो, कैसे, कि जो 1 सेंटीमीटर होता है, सॉरी 100 सेंटीमीटर जो होते हैं वो बराबर होता है 1 मीटर के, अब हमें क्या निकालना, 1 सेंटीमीटर तो 100 का इधर भाग दे देते हैं, 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर, ठीक है, अब 1/100 का मान कितना होता है, नहीं सभी बच्चे बताइए, चलिए 1/100 को पॉइंट में कैसे लिखेंगे ये बताइए, पॉइंट में कैसे लिखेंगे, सभी बच्चे बताएंगे, प्रिंस कुमार ने लिख बताया है, ठीक है, बाकी के बच्चे भी बताएंगे, 1/100 को पॉइंट में लिखना है आपको, हाँ ये कंफ्यूजन है, ठीक है,
ओके बिल्कुल हाँ अभी सही लिख रहे हैं बिल्कुल 0.01। देखिए ये आपको ध्यान रखना है, नीचे जितनी भी जीरो होती हैं उतने ही पॉइंट के बाद उतने ही अंक होने चाहिए। नीचे दो जीरो हैं तो पॉइंट के बाद दो ही अंक है 0.01। अगर आप इसको 0.001 लिख दोगे तो पॉइंट के बाद यहां तीन अंक हो जाएंगे, जबकि नीचे तो जीरो दो ही है, इसलिए नहीं कृष्ण कुमार जी ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। हाँ जी जब हजार होगा तो होगा ऐसा, जब नीचे हजार होगा तो ऐसा होगा, बिल्कुल सही बात है। तो यहां से हमने सीखा कि एक सेंटीमीटर में 0.01 मीटर होते हैं। इसी तरह से आप सभी को चेंज कर सकते हो क्या, इसी तरह से सभी को चेंज कर सकते हो? यस आपस में सभी को चेंज कर सकते हो कि ये बताइए, सभी बच्चे बताएंगे, सभी को कर सकते हो ना? तो आप अब ये बताइए लास्ट क्वेश्चन, फिर हम प्रॉपर क्वेश्चंस पे चलेंगे। ये अभी का लास्ट वो है, आप बस एक ये बता दीजिए कि यदि मैं आपसे पूछूं कि एक किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, बस ये बता दीजिए आप, एक किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे? सभी बच्चे ये बताएंगे एक किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे। नहीं यहां ध्यान रखना, एक किलोमीटर में मैंने पहले सेंटीमीटर पूछा है आपसे, दो सेंटीमीटर सर। नहीं एक मीटर में सर, एक लाख। एक किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर, किलोमीटर बोला मैंने, किलो हाँ। अच्छा बोल के मत बताइए, लिख दीजिए जो भी आपका आ रहा है ना आंसर, समझ में आया? मैं पूछ रहा हूँ जो आप बता रहे हो ना, तो वो एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। मैंने मीटर नहीं पूछा, मैंने पूछा है कि एक मीटर में, एक किलोमीटर में सॉरी, एक किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, मैंने बोर्ड पे लिखा भी हुआ है। हाँ जी मैसेज में लिख लो, सही बात है, मैसेज में लिख लो, मैसेज में लिख लो, सभी बच्चे मैसेज में ही लिखेंगे। बिल्कुल सही बात है, कितने होते हैं 1 लाख। कैसे, देखिए सभी बच्चे समझेंगे, अगर मैं एक किलोमीटर में मीटर की बात करूं तो होते हैं 1000 मीटर, ठीक है। अब यहीं से 1000 को तो ऐसे कि ऐसे लिख लो यहां, अब मीटर में 1000 इंटू, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, इसे 1000 इंटू 1 मीटर, क्योंकि 1000 इंटू 1 का मतलब 1000 ही होगा। अब 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर, तो लिख ले, लिख लीजिए 1000 गुणा 100 सेंटीमीटर, तो यहां से कितना आया, ये 3 जीरो, ये 2, ये तो टोटल 5 जीरो हो जाएंगे, 5 जीरो का मतलब होता है 1 लाख। बिल्कुल सही बात है कि 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। चलिए अभी, अच्छा अभी शायद आपको स्क्रीन नहीं दिखेगी, बस कुछ सेकंड के लिए वेट करना, आप कुछ सेकंड के लिए वेट करोगे सभी बच्चे। हाँ, अभी शायद सभी को स्क्रीन फिर से दिखने लग गई होगी, ठीक है। तो ये तो हमने अभी तक सीख लिया, अभी यदि मैं इसकी समरी बताऊं आपको तो ये इसकी समरी है, सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, ठीक है। ये अभी तक जो हमने पढ़ा है, ये हमने जो अभी तक पढ़ा है इसका सभी बच्चे स्क्रीनशॉट लेंगे। अब इसका मतलब क्या है, देखिए यदि आपको किलोमीटर से मीटर में जाना है, जैसे एरो इधर की साइड है तो आप 1000 का गुणा कर दीजिए, और यदि आपको मीटर से किलोमीटर में आना है तो 1000 का भाग कर दीजिए, पूरे का मतलब यही है। जैसे मान लो मैं सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जाऊं तो आपको 10 का गुणा करना है, और यदि मिलीमीटर से सेंटीमीटर में हो तो 10 का भाग करना है, इसका मतलब है ये। सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अभी हम क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 जल्दी से। अच्छा मैं चैट ऑफ कर रहा हूं, इसका आंसर सभी को पोल में देना है, इसका आंसर सभी बच्चे पोल में करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 आराम से। अच्छा जल्दबाजी कोई नहीं करेगा, जल्दबाजी कोई भी बच्चा नहीं करेगा,
जल्दबाजी कोई भी बच्चा नहीं करेगा, क्या है 10 मीटर को सेंटीमीटर में बदलिए। कॉपी पेन यूज कर लीजिए, ऐसा नहीं कि कॉपी पेन यूज नहीं करना, सभी बच्चे कॉपी पेन यूज कर सकते हैं। सभी बच्चे कॉपी पेन यूज कर सकते हैं। सात बज के 41 मिनट हुआ है, इसमें 1 मिनट ही वेट करेंगे हम, ठीक है, इसमें 1 मिनट वेट करते हैं, उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे। सभी बच्चे इसको जल्दी से सॉल्व करेंगे। लास्ट 30 सेकंड्स और बचे हैं, 30 सेकंड्स और बचे हैं। लास्ट 20 सेकंड्स और बचे हैं, 20 सेकंड्स और हैं आपके पास। लास्ट 10 सेकंड्स, 5 सेकंड्स, 5, 4, 3, 2, 1, समय समाप्त। हाँ जी बिल्कुल सही बात है, वैसे ज्यादातर बच्चों ने ना एकदम सही आंसर किया है, बहुत ही बढ़िया, ज्यादातर बच्चों ने एकदम सही आंसर किया है, बहुत बढ़िया। चलिए इसको समझ भी लेते हैं जल्दी से। देखिए 10 मीटर को सेंटीमीटर में बताना था ना हमें, तो हमें ये पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ये तो हमें पता है। अब हमें कितने मीटर में बताना था, 10 मीटर में, तो इसका मतलब दोनों साइड 10 का गुणा कर लेते हैं। इधर 10 मीटर हो गया, 10 गुणा 1, इधर भी 10 गुणा 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इधर क्या हो गया, 10 गुणा 1 क्या हो जाएगा, 10, तो इधर तो हो गया 10 मीटर, बराबर 10 गुणा 100 क्या होगा, 1000 सेंटीमीटर। तो 10 मीटर में कितने होंगे, 1000 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन डी हमारा एकदम सही है, ठीक है, एकदम सही है, ऑप्शन डी ही आपने आंसर किया था, बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन नंबर टू, जल्दबाजी देखो कोई नहीं करेगा, अगर आपने जल्दबाजी की ना तो गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए कोई भी बच्चा जल्दबाजी नहीं करेगा। यहां आपको 7000 मिलीमीटर को मीटर में बदलना था, है मतलब बदलना था कि बदलना है, 7000 मिलीमीटर को मीटर में बदलना है आपको। सात हजार मिलीमीटर को मीटर में बदलना है, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। हाँ आंसर देने लगे हैं और ज्यादातर का आंसर सही भी है, बहुत बढ़िया, सभी बच्चे आंसर करेंगे, कोई भी बच्चा छोड़ेगा नहीं क्वेश्चन को, सभी बच्चे आंसर करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा 1 मिनट है आपके पास, 1 मिनट और है, आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। 7:45 में हम इसको डिस्कस करेंगे। अभी भी काफी बच्चे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, अभी भी कुछ बच्चे तो ऐसे ही हैं जिन्होंने पिछले क्वेश्चन में तो आंसर किया था लेकिन इसमें आंसर नहीं किया है, सभी बच्चे आंसर करेंगे। बहुत बढ़िया, लास्ट 20 सेकंड्स और वेट करते हैं, 20 सेकंड्स और वेट करते हैं। दस सेकंड्स और बचे हैं, 10 सेकंड्स। सभी अभी तक बच्चों ने आंसर नहीं किया, आपने सभी ने आंसर नहीं किया है, पिछले क्वेश्चन में ज्यादा बच्चों ने आंसर किया था, इस क्वेश्चन में उतने बच्चों ने भी आंसर नहीं किया, जल्दी से आंसर कीजिए। फाइव सेकेंड्स और बच्चे, लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3,
2 1 समय समाप्त। अच्छा अब अगर किसी को कमेंट में आंसर करना है तो अब आप कमेंट में भी आंसर कर सकते हो, ठीक है। चलिए तब तक हम इसको समझ लेते हैं कि हमने क्या सीखा था और यहां क्या दे रखा है। देखिए हमें पता है, हमें को क्या निकालना है कि 7000 मिलीमीटर को मीटर में बदलिए, तो हमें मिलीमीटर से मीटर में जाना है, मिलीमीटर से मीटर में जाना है। अब हम ये जानते हैं, उल्टा जानते हैं कि 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं, ठीक है, 1000 मिलीमीटर होते हैं। या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं उल्टा करके कि 1000 मिलीमीटर में 1 मीटर होता है, बस यही तो हमें चाहिए था। 1000 में एक होता है तो 7000 में कितने होंगे, सिंपल सा 7 का गुणा कर दो दोनों साइड। तो इधर तो लिख रहा हूं मैं 7 का गुणा करके, 7 गुणा वापस से ये 1000 मिलीमीटर बराबर, दूसरी साइड भी 7 का गुणा करूंगा मैं, 7 गुणा और इधर क्या है ये 1 मीटर, ठीक है। तो यहां से क्या हो गया, ये तो हो गया 7 गुणा 1000 7000, 7000 मिलीमीटर बराबर 7 गुणा 1 हो जाएगा 7 मीटर। तो 7000 मिलीमीटर में कितने मीटर होते हैं, ये होते हैं 7 मीटर। तो यहां से ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। वैसे इसमें भी ज्यादातर बच्चों ने सही आंसर किया था, ठीक है, इसमें भी ज्यादातर बच्चों ने सही आंसर किया था। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये आपको थोड़ा ध्यान से समझना है, यही क्वेश्चन, इसी तरह का क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले आया था। 7:47 हो रहे हैं, 3 मिनट वेट करते हैं, 7:50 पे हम इसको डिस्कस करेंगे, आप आराम से सॉल्व कर लीजिए। और आंसर सभी को पोल सेक्शन में ही देना है, आंसर सभी बच्चों को पोल सेक्शन में ही देना है। क्वेश्चन में फिर से पढ़ के बता देता हूं एक बार कि नहीं, दो वस्तुएं आपके पास, उनमें से एक की लंबाई है 2 मीटर और दूसरे वस्तु की लंबाई है 300 सेंटीमीटर, तो आपको दोनों की कुल लंबाई बतानी है कि कुल लंबाई कितनी होगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, काफी बच्चे आंसर कर चुके हैं और ज्यादातर का आंसर सही भी है, बहुत बढ़िया। सभी बच्चे आंसर करेंगे, एक मिनट और बचा है, सभी के पास 1 मिनट और है। लास्ट 30 सेकंड्स और बचे हैं, 30 सेकंड्स और बचे, 30 सेकंड्स और है आपके पास। बीस सेकंड्स और बचे हैं, 20 सेकंड्स और हैं। आपके पास लास्ट 10 सेकंड्स, 10 सेकंड्स और बचे हैं, 10 सेकंड्स और बचे हैं, 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1 समय समाप्त। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करना कैसे था। देखिए ये तो हमने पहले ही सीख लिया था कि यदि हमें दो लंबाइयों को जोड़ना है तो दोनों की जो यूनिट है, ये जो दोनों की यहां यूनिट दे रखी है, इकाई दे रखी है, वो समान होनी चाहिए। अब एक की मीटर है और एक की सेंटीमीटर है,
दोनों की समान होनी चाहिए, या तो दोनों की मीटर होनी चाहिए या दोनों की सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर मैं ऑप्शंस में देखूं तो इसमें मीटर है, इसमें सेंटीमीटर है, इसमें मीटर, इसमें मीटर, मतलब जो ऑप्शंस में आंसर है वो ज्यादातर मीटर में दे रखे हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसका आंसर मीटर में ही निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, 2 मीटर तो ये तो है ही मीटर, अब ये 300 सेंटीमीटर को हमें मीटर में बदलना है, ये तो है ही मीटर, अब 300 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है। कैसे बदलेंगे, एक एक मीटर में कितना होता है, एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, जल्दी से बताइए कमेंट में, एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। बिल्कुल सही बात है, 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, या मैं इसको उल्टा करके ये भी लिख सकता हूं कि 100 सेंटीमीटर बराबर होता है एक मीटर, 100 सेंटीमीटर बराबर होता है एक मीटर। अब हमें किसका निकालना था कि 300 सेंटीमीटर कितने के बराबर होते हैं, तो यहां 300 कितने के लिए होगा, 3 का गुणा करते हैं दोनों साइड, तो इधर तो 300 हो जाएगा और इधर 3 × 1 मीटर, तो यहां होगा कि 300 सेमी बराबर हो जाएगा 3 मीटर के। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो 300 सेंटीमीटर है वो बराबर हो गया, उसको हम लिख सकते हैं 3 मीटर की। अब हमें दोनों को ऐड करना है, तो देखिए एक लंबाई तो थी 2 मीटर और दूसरी लंबाई है 3 मीटर, अब हम यह दोनों को जोड़ देते हैं, जोड़ते हैं, तो 2 मीटर + 3 मीटर, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आएगा 5 मीटर, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है, यह समझ में आया सभी को, समझ में आया क्या, ये ऑप्शन ए करेक्ट है। यस यस, अच्छा बहुत बढ़िया, समझ में आया ना। अब मुझे एक और चीज बता दीजिए, इसी क्वेश्चन में आपको जो फाइनल आंसर है ना वो सेंटीमीटर में बताना है कि दोनों की लंबाई जुड़ के सेंटीमीटर में कितनी आएगी। ये तो मीटर है, ये 5 मीटर। हाँ जी, हाँ बताइए बताइए, फिर से समझाना थोड़ा, फिर से समझा देता हूं। देखिए मैं ये बोल रहा था कि हमें क्या दे रखा है, 2 लंबाई दे रखी है, लंबाई 1 मान लो पहली लंबाई है 2 मीटर, ठीक है, और लंबाई नंबर 2 क्या है, वो है 300 सेंटीमीटर है। अब इन दोनों को हमें जोड़ना था ना, कुल लंबाई चाहिए ना दोनों वस्तुओं की, तो दोनों को हमें जोड़ना है। अब जोड़ हम तभी सकते हैं ना, या तो दोनों मीटर में होते हैं, देखिए ये तो मीटर में है और ये सेंटीमीटर में है, तो डायरेक्ट हम 2 और 300 को जोड़ के 302 नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि दोनों की यूनिट या दोनों की जो ये मीटर और सेंटीमीटर जो दोनों की अलग अलग है, ठीक है, इकाई बोलते हैं इनको, यूनिट बोल लो चाहे इकाई बोल लो, ये दोनों की अलग अलग है। तो हमें करना क्या है कि या तो इसको हम सेंटीमीटर में बदलें, ठीक है, तो ये भी सेंटीमीटर में हो जाएगा और ये भी सेंटीमीटर में, एक ऑप्शन तो ये है, और दूसरा ऑप्शन क्या है, तो मैं पहले इसको इरेज कर देता हूं फिर मैं दूसरा ऑप्शन लिखता हूं। दूसरा ऑप्शन है कि इस 300 सेंटीमीटर को हम मीटर में बदलें, ठीक है, तो फिर ये भी मीटर में हो जाएगा और ये भी मीटर में, और फिर हम इसको डायरेक्ट ही जोड़ सकते हैं। अब हमने क्या किया, हमने पहले ऑप्शंस देखे, देखिए ऑप्शंस ज्यादातर मीटर में दे रखे हैं, तो हम फाइनल आंसर मीटर में निकालने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब जो भी सेंटीमीटर हमें दे रखा है उसको हम मीटर में ही बदलने की कोशिश करते हैं। अब हम जानते हैं कि जो 100 सेंटीमीटर है वह 1 मीटर के बराबर होता है, ठीक है, तो इसलिए यहां से 300 सेंटीमीटर 3 मीटर के बराबर हो जाएगा। यह है समझ में, आप ये बताइए सुमन के नाम से जो बच्चा है ना, सुमन जांगरा के नाम से, कि 300 सेंटीमीटर 3 मीटर के बराबर कैसे होता है, जल्दी से बताइए, आए समझ में आपके, अगर आप बताओगे नहीं तो मैं फिर समझा कैसे पाऊंगा। हाँ ये आया ना, yes. बहुत बढ़िया, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस 300 मीटर की जगह मैं लिख सकता हूँ 300 सेंटीमीटर की जगह मैं लिख सकता हूँ 3 मीटर, ठीक है, तो मैं इस नीचे वाले को इरेज कर देता हूँ इसको, और मैं इस 300 सेंटीमीटर की जगह यहां लिख रहा हूं, मैं इसको लिख सकते हैं हम 3 मीटर, और ये कितनी है, ये तो 2 मीटर है ही। अब क्या करना है, हमें कुल लंबाई चाहिए तो दोनों को जोड़ना है, तो यहां से लिख सकते हैं कि कुल लंबाई बराबर 2 मीटर + 3 मीटर = 5 मीटर, ठीक है,
ये हुआ। अब यहां से जल्दी से ये और बता दीजिए कि यदि मैं सेंटीमीटर में निकालता तो इसकी लंबाई कितनी आती। हाँ अच्छा, कुछ बच्चों ने आंसर तो किया। अच्छा आपने आंसर कर दिया, बहुत बढ़िया। हाँ जी, हाँ जी, सही है सही है सही है, बिल्कुल सही बात है। इसको ही डायरेक्ट सेंटीमीटर में बदल लो ना, तो 500 सेंटीमीटर हो जाएंगे, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते, तो 5 मीटर में कितने हो जाएंगे, 500 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो यहां तक अभी हमने लंबाइयों को बदलना सीख लिया था। अब अगली क्लास में हम क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे कि इसी तरह क्षेत्रफल की इकाइयों को हम कैसे बदलते हैं, ठीक है। यहां तक किसी को कोई डाउट, यहां तक किसी को कोई डाउट क्या, जल्दी से ये बताइए। अच्छा आज होमवर्क की बात करेंगे, होमवर्क में आज थोड़ा सा अलग तरह से दिया जाएगा, होमवर्क आज थोड़ा सा अलग तरह से दिया जाएगा, इसलिए कोई भी बच्चा क्लास छोड़ के जाएगा नहीं। पहले आप ये बताइए यहां तक कोई डाउट। अच्छा नहीं है, हाँ बताइए। सुमन जांगरा के नाम से जो बच्चा है, आपको डाउट है क्या, बताइए क्या डाउट है। अच्छा नहीं है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कोई डाउट नहीं है ना। तो ये क्लास तो देखो यहीं तक थी। अब जो आज आपको होमवर्क मिलेगा, ठीक है, वो आपको अभी पिछली क्लास का ही मिलेगा, क्योंकि आज हमने ज्यादा पढ़ा नहीं है। पिछली क्लास में क्या पढ़ा था हमने, एक तो अर्धवृत्त की परिधि के बारे में पढ़ा था, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल के बारे में पढ़ा था, और हमने क्या क्षेत्रफल और परिमाप के बारे में संबंध, क्षेत्रफल और परिमाप का जो संबंध होता है उसके बारे में पढ़ा था, ठीक है। उसका आपको होमवर्क मिलेगा। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है, तो ठीक है, आज की क्लास तो बस यहीं तक थी।